दूर किसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने पति और अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत सुखी था। लाडो के पति का सिर्फ एक ही काम था, दिन निकलते ही घोंसले से बाहर जाना और शाम होते ही अनाज लेकर घर वापस आना। फिर एक दिन, चलो लाडो, सवेरा होने वाला है, मैं चलता हूँ, तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। ऐसा मत कहिए, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपका इंतजार करेंगे। बल्लू ने बच्चों को गले लगाया। बल्लू अनाज की खोज में घर से निकल पड़ा। दिन बीतता गया। लाड़ो और उसके बच्चे बल्लू चिड़े का इंतजार करते रहे। आखिर रात हो गई, पर बल्लू घर लौट कर वापस नहीं आया। लाड़ो समझ चुकी थी कि उसके पति को शिकारी पंछियों ने पकड़ लिया होगा। लाड़ो चिड़िया रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख बच्चे भी रोने लगे। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और पापा अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? लाड़ो के बच्चे अभी छोटे थे, इसीलिए लाड़ो ने बच्चों को समझाते हुए कहा, अरे बच्चों, कुछ नहीं, रात हो गई है ना, इसीलिए तुम्हारे पापा किसी सुरक्षित जगह रुक गए होंगे। जंगल में शिकारी पंछी भी घूमते हैं ना। हे ऊपर वाले, उनको सही सलामत रखना। रोते रोते ही सब सो गए। सवेरा हो गया। सारे पंछी अनाज की खोज में घर से निकलने लगे। आज मुझे ही अनाज लेकर आना होगा, नहीं तो मेरे बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा। बच्चों, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घोंसले में ही रहना, घोंसले से बाहर मत चले जाना। मैंने तुम्हें जिन शिकारी पंछियों के बारे में बताया है, उनसे बचकर रहना। हाँ मम्मी, हम अपना ख्याल रखेंगे, तुम भी अपना ध्यान रखना। लाड़ो अपने दिल पर पत्थर रखकर अनाज की खोज में निकल पड़ती है। वो चारों ओर खोज कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं दिख रहे थे। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ दूरी पर सूखे अनाज के खेत दिखाई दिए। हाँ चलो, मैं यहाँ से थोड़ा अनाज अपने साथ ले लेती हूँ, इससे मेरे परिवार का कुछ दिनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। और अपने पैरों में पकड़कर वो अपने घर की ओर निकल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान भी जोर जोर से गरजने लगा। अरे, लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवाओं में लाड़ो अपने घर की ओर जाने लगी। लाड़ो चिड़िया को तेज हवाओं की वजह से उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी जाना था। जैसे ही वो उड़कर जाने लगी, वैसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा उड़कर उसके सिर में जाकर लग गया। वो जमीन पर जाकर गिर गई। लाड़ो चिड़िया बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। वो बेहोशी से जाग गई। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। इधर बच्चे डरे हुए अपने घोंसले में बैठे हुए थे। वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो शिकारी पंछी आ जाते हैं। छोटू, मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में हमें चिड़िया के बच्चे खाने मिलेंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। इधर लाड़ो चिड़िया बारिश में भीग रही थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला था। रानो को ये एहसास हो गया कि वह चिड़िया जरूर कोई ना कोई मुसीबत में है। रानो खिड़की से लाड़ो चिड़िया को देख रही थी। उसने देखा
कि वो चिड़िया बहुत देर से वहाँ पर बैठी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे चिड़िया बहन, तुम भीग क्यों रही हो? चलो अंदर आ जाओ। लाडो चिड़िया घोंसले के अंदर आ जाती है। वो अपना नाम तक भूल चुकी थी। चिड़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर तुम सूख जाओगी और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे ये क्या, तुम्हारे सिर पर तो चोट लगी है। क्या तुम पर किसी शिकारी पंछी का हमला हुआ था? और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी, और मुझे मेरा नाम भी याद नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं तुम्हारी चोट पर मलम पट्टी कर देती हूँ। उसे अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बारिश को निहारने लगी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कब आएगी? डरो मत मोनू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मी पापा जल्द ही आ जाएंगे। सोनू बड़ा था, इसीलिए उसे थोड़ी समझ थी। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर शिकारी पंछी आ जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। मम्मी पापा, हमें बचाइए। इधर लाडो रानू चिड़िया के साथ खाना खा लेती है। बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ, लाडो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को देख रही थी। रानो के बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर लाडो को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चे याद आ रहे थे, कैसे वो अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे अपने बच्चों को प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे दो बच्चे हैं, हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति का नाम बल्लू और मेरा लाडो है। मैं पास वाले सुंदरवन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह लाडो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ बहन, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं सुंदरवन जंगल में कहाँ पर रहती हूँ। मुझे मेरी बच्चों की याद आ रही है। मेरे बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे? लाडो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तभी रानो का पति घर लौट आता है। अरे ये चिड़िया कौन है? ये तो हमारे जंगल की नहीं दिख रही। अजी, ये तो हमारे पास वाले सुंदरवन जंगल की है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही इसे सब याद आ गया है। इसका नाम लाड़ो है, ये अपने पति बल्लू और अपने दो बेटों के साथ रहती है। हमें इसके घोंसले को ढूंढना होगा और इसे इसके परिवार से मिलवाना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे परिवार की खोज करता हूँ। ऐसा कहकर रानो का पति लाड़ो के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा कि एक अकेला पंछी दो शिकारी पंछियों के साथ लड़ रहा है। अरे मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए। रानो का पति उस पंछी की मदद करता है। वो दोनों मिलकर शिकारी पंछियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे दोस्त, तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते, मैं तो एक जरूरी काम के लिए निकला था। दरअसल मैं लाडो नाम के चिड़िया के घोंसले को ढूंढ रहा था, उसके बच्चे मुश्किल में होंगे, मैं उसके परिवार को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं उसका पति बल्लू हूँ, क्या लाडो सुरक्षित है? हाँ दोस्त, वो सही सलामत हमारे घोंसले में है। बल्लू जल्द से घोंसले के अंदर चला गया और अपने बच्चों को लेकर बाहर आ गया। बच्चों, तुम्हारी माँ सुरक्षित है, चलो हम उसके पास चलते हैं।
बल्लू चिड़ा और रानो का पति दोनों बच्चों को लेकर लाडो के पास आ जाते हैं। लाडो चिड़िया बल्लू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। माँ, माँ तुम कहाँ चली गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई। पापा भी कहाँ पर चले गए थे? मैं शिकारी पंछियों के जाल में फंस गया था। जैसे तैसे कर मैं वहाँ से भाग कर आ गया। जब मैं घोंसले के पास आ गया तब मैंने देखा दो शिकारी पंछी हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं उनसे मुकाबला कर ही रहा था तभी इन भाई साहब ने मेरी मदद की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप कहीं पर मत जाइए। आप दोनों हमारे पास वाले पेड़ पर ही घोंसला बना लो। दूसरे दिन लाडो और बल्लू ने मिलकर एक अच्छा सा घोंसला पास वाले पेड़ पर बना लिया और इस तरह से सारे मिलकर खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे।